नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ जिस स्टॉक के बारे में भी बात करने वाला हूं, इस कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट अनाउंस कराया एंड स्टॉक का नाम पहले आपके साथ शेयर कर देता हूं, हाईटेक पाइप्स लिमिटेड। अब हाईटेक पाइप्स लिमिटेड के बारे में बात करें तो रिसेंटली मैंने इस स्टॉक को लेकर आपके साथ काफी सारी अपडेट शेयर करी है। डिस्क्लेमर, ये कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन ना पहले दिए ना अभी दिए, ये केवल और केवल जो कंपनी के कुछ कॉर्पोरेट एक्शन है उन्हीं से रिलेटेड वीडियो है। अगर हाईटेक पाइप्स की बात करें तो कल तो बढ़िया तेजी में रहा स्टॉक, मोर देन 2% ऑलमोस्ट 3% की तेजी है, इनफैक्ट लगभग 863 के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखाया, 22.5 रुपए ऊपर चढ़कर बंद हुआ है। एवरेज वॉल्यूम 99,000 शेयर्स का है, लेकिन कल थोड़े वॉल्यूम्स कम थे, 55,000 शेयर्स ट्रेड हुए हैं। स्टॉक का भाव करंटली 863 का है एंड कंपनी ने डिसाइड करा है कि इस प्राइस को हम और ज्यादा छोटा करेंगे एंड अपने रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अफोर्डेबल बनाएंगे, और इसी के चलते कंपनी ने एक स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करा है। तो क्या है पूरी डिटेल्स वो मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं। पहले हाईटेक पाइप्स के बारे में और चीजें बताऊं तो 1104 करोड़ का मार्केट कैप है, 21 का अर्निंग पर शेयर है, 989 का 52 वीक हाई है, 393 का 52 वीक लो है। एक साल में स्टॉक ने ऑलमोस्ट आपको 68% के पॉजिटिव रिटर्न्स डिलीवर्ड करें। अब यहां पे कंपनी ने लिखा है लगभग कंपनी हैज फिक्स्ड फ्राइडे 17th मार्च 2023 एज द रिकॉर्ड डेट, और स्टॉक स्प्लिट जो है वो 10 की फेस वैल्यू से स्टॉक 1 की फेस वैल्यू पे आ जाएगा, यानी 10:1 के रेशियो में आपके शेयर्स बढ़ते हुए दिखेंगे। चलिए एक एक करके शॉर्ट में समझते हैं। पहले रिकॉर्ड डेट जो है वो 17th मार्च है, यानी कि 16 मार्च एक्स डेट, यानी कि अगर आप 16th मार्च से पहले खरीदते हो तो आप स्टॉक स्प्लिट के लिए इलिजिबल हो जाओगे। अब स्टॉक स्प्लिट में जैसा कि कंपनी ने कहा है कि जो 10 की फेस वैल्यू पे स्टॉक वो 1 की फेस वैल्यू पे आ जाएगा, यानी कि अगर आप एक शेयर होल्ड करोगे तो आपके 10 शेयर्स हो जाएंगे। काफी सारे लोगों का ये भी सवाल होता है कि भाई ये शेयर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मेरे 1 के 10 गुना हो जाएंगे क्या? तो शेयर्स तो आपके मल्टीप्लाई होंगे डेफिनेटली, बट उसी रेशो में स्टॉक का प्राइस भी डेप्रिशिएट हो जाएगा। यानी कि जो अभी 863 का प्राइस है, अगर आपका एक शेयर है तो आपका इन्वेस्टमेंट है 863 रुपीज का, इसको राउंड फिगर में लेते हैं 900 कर देते हैं, मान के चलो स्टॉक का प्राइस 900 रुपए पे आपने एक शेयर खरीदा तो आपका प्राइस हुआ 900, आपकी इन्वेस्टमेंट हुई। लेकिन जब स्टॉक स्प्लिट हो जाएगा तो वो 900 या 90 रुपीज का शेयर हो जाएगा, लेकिन आपके पास शेयर जो है वो एक जगह 10 हो जाएंगे। तो फर्क क्या हुआ, फायदा क्या हुआ यहां पे, ये इसलिए होता है ताकि लोगों के लिए अफोर्डेबल बन सके, और इससे कोई भी फाइनेंशियल चेंज नहीं होता है, केवल और केवल लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए इस तरीके के कॉर्पोरेट एक्शंस कंपनी करती है। ये एक आपके लिए अपडेट थी। बाकी हाईटेक पाइप लिमिटेड के स्टॉक के बारे में और डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा जैसे ही कोई आएगी। तो यदि मेरी वीडियो होप आप लोगों को समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।